हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो मेरी वीडियो है वो क्रिसमस ट्री पर है। इसको मैं सजाऊंगी और मैं जो आइटम लेके आई सजाने के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये नर्सरी में मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो ला सकते हैं। और वैसे तो नकली वाले भी क्रिसमस ट्री आते हैं, उनको भी सजाते हैं। तो मेरे पास तो ये क्रिसमस ट्री है, तो मैं इसी को सजाऊंगी। और आइए मैं सामान दिखाती हूँ, क्या क्या आइटम है मेरे पास सजाने के लिए। ये पैकेट आराम से बाज़ार में मिल जाता है, और 100 का, 80 का, 50 से लेकर ये छोटे छोटे सारे आइटम होते हैं इसमें, तो हम इसको ले सकते हैं या हाथ से भी बना सकते हैं। कुछ आइटम है इसमें, जैसे टॉफी है और ये है बॉल्स हैं, हम इनको हाथ से भी बना सकते हैं। और वेल वगैरह यहाँ से, लेकिन मैंने तो ये रेडीमेड लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। और एक ये मैंने कॉटन लिया, और इससे क्योंकि मैं क्या है, इससे थोड़ा सा ये पहाड़ जैसा लुक दूंगी और बर्फ़ जैसा, तो ये अच्छा लगेगा इसके अंदर यहाँ पे। और अभी और मैं दिखाती हूँ, ये सेंटा क्लॉज है, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, और हाथ से बनाना चाहो हाथ से भी बन जाते हैं। और ये थोड़े से स्टार भी हैं, ये भी काम आ सकते हैं। और कुछ मोती भी हैं, कुछ ये रेडीमेड स्टार है, ये देखो, ये 10 रुपये का एक मिलता है, और हम हाथ से भी बना लेते हैं। मैंने एक बनाया हुआ है, देखो ये हाथ से बनाया मैंने, ये वाला मैंने अलग से लिया है, और ये इसी में निकला है, छोटा सा प्यारा सा। और ये देखो टॉफिया है, ये कितनी सा। और ये ट्रीज भी है इसमें, छोटा सा अटकाने के लिए ट्री पे जो वो आता है, ये ट्रीज, वैसे ये ट्रीज है दिखाने के लिए। और ये इतने सारे इसमें आइटम निकले, बहुत ही प्यारे आइटम है, और जब सजाएंगे उसके बाद देखना बहुत ही प्यारा लगेगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं फिर तो इतना एक्साइट होते हैं इसे देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि सेंटा क्लॉज क्या है उनके लिए टॉफी और गिफ्ट लाते, इसलिए उनको ये बहुत ही पसंद है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और बच्चे आज उस दिन 25 दिसंबर में इतने सजे हुए रहते हैं, ड्रेस में रहते हैं सेंटा क्लॉज के, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब देखो मैं इसको डेकोरेट करूँगी। ये देखिए मैंने बॉल्स इसलिए लटका दी है, और कितनी प्यारी लग रही है देखो, और बड़ी सावधानी से लगाया है इसको, क्योंकि लगाते समय हमें ये ध्यान देना कि हमारा कोई ट्री का कुछ नुकसान भी ना हो। और ये बहुत वेट में हल्के होते हैं, तो ये आराम से लटक भी जाते हैं, बस लगाते समय हमें थोड़ा इसको ध्यान देना। ये देखो मैंने ऐसे इनकी जो एरो निकले हुए हैं ये इसमें ऐसे करके लटका दिया है, आराम से ऐसे धीरे धीरे इसको ऐसे लगा दिया है, और ये बहुत हल्के होते हैं, इजीली लग भी जाते हैं। अब मैं ये गिफ्ट लगाऊंगी, मैंने इसको यहाँ सजा दिया है, कितना प्यारा लग रहा है, एक एक करके दिखा रही हूँ आपको। और इनको सेंटा को, छोटे से सेंटा जो आए थे इसमें मेरे पैकेट में, मैंने इनको सबसे ऊपर सजाया है, और यहाँ क्राउन से यहाँ पे इनको लटकाया है, और ये जो दो बेल थी मैंने यहाँ पे लटका दी है, कितनी प्यारी लग रही है देखो, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे जो इसकी स्टेम है ये बीचों बीच मैंने यहाँ पे लगाई है, देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। मैंने ये भी लटका दिया है गिफ्ट भी, और यहाँ ये कितने सुंदर लग रहे हैं प्यारे से, और ये गिफ्ट, और ये जो मैं ट्री पे जो लगाने वाली थी वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लगा दी है। और ये देखो यहाँ पे ये घंटी बड़ी वाली, और एक बैल इधर भी है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और सारा पूरे प्लांट पे इतना इसमें पैकेट में आया था इतना आइटम, कि मेरे पूरा जो मेरा प्लांट है ये इस पर पूरा कवर हो गया है। इसके लिए मैंने इसको चारों तरफ से वो जो कॉटन ली थी वो इसमें देखो ये चिपका दिए, चारों तरफ से इसके कवर कर दिए, जिससे ये बर्फ़ जैसा और लुक दिखाई दे। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो ये बड़ा सुंदर लगेगा, ये देखो ऐसे करके पिंच करके इसको चारों तरफ से हमने इसको उठा देना है, तो ये बहुत ही, ये देखो उठ गया, तो इधर से बहुत ही सुंदर लगेगा, फिर ये नीचे से लगेगा जैसे इसमें बर्फ़ पड़ी हुई है। और इसको थोड़ा सा पिंच करके ऊपर कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें मैंने एक लाइट वाली जो आती है लड़ी उसको लगाना है,
तो ये और भी सुंदर लगेगा चारों तरफ से लटक के। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सारी घंटियाँ ये, और बच्चे इतना खुश होते हैं देख देख के। हमारे यहाँ एक पास में लगाते थे और सारे बच्चे देख के इतने खुश होते थे, मम्मी आप भी लगाओ, मम्मी आप भी लगाओ, सारे बच्चे ऐसे करते थे। और मुझे याद आ गई, बस मैंने इसलिए इसको प्लांट को सजाया। देखिए ये जो मोती थे इस इन थैलियों में, तो जो मैंने दिखाए थे वो भी मैंने इसमें जगह जगह डाल दिए, तो इससे और भी सुंदर ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, और भी अच्छा लग रहा है। इसे देखो और भी सज गया है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसमें ये मोती डाल दिए तो ये और भी सज गया। अब ऐसे लग रहा है इसका लुक जैसे बर्फ़ पड़ी हुई है उसके अंदर प्लांट के, और कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं इनको सेंटा क्लॉज को इनको यहाँ पे लगा दूँगी बीच में इस तरह से। अब ये देखो अभी और भी प्लांट के पास इस तरह से मैंने इनको सजा दिया, रख दिया। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर से। अभी 25 तारीख दूर है, आप भी बच्चों के लिए ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो आप आर्टिफिशियल प्लांट लागे कर सकते हैं। ये देखो मैंने लाइट भी लगा दी है, ये जो लड़ियाँ होती हैं दिवाली की, उससे मैंने इसको पूरे प्लांट पे थोड़ा इस तरह से लुक दिया है। और रात में ये बहुत ही प्यारा लगेगा लाइट वाला। और ये देखो यहाँ से स्टार से, ये स्टार पे है तो इसमें चमक बहुत ही सुंदर लगेगी इसकी लाइट की। और यहाँ से देखो ये लटके हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो। अभी धीरे धीरे हवा चली तो ये धीरे धीरे हिल रहे हैं, तो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और भी डेकोरेशन हम इसमें कर सकते थे, यहाँ पे जैसे स्टार वगैरह और कुछ लगा सकते थे, कितना प्यारा लगा। आगे भी मेरी वीडियो ऐसी आती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अच्छा लग रहा तो लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।